कानपुर में टैक्स चोरी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है और कानपुर में पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म हो गई है, लेकिन कन्नौज वाले घर पर छापेमारी जा रही है। कल से ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी चल रही है और अब तक 170 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। पीयूष जैन के घर से बरामद की गई इस रकम, ये कैश को 21 बक्सों में रखा गया है। 170 करोड़ रुपए एसबीआई के करेंसी चेस्ट में जमा करा दिए गए हैं। छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम ने 20 ताले लगाए गए थे जिनको तोड़ना पड़ा। छापेमारी के दौरान 15 से 20 अलमारियां काटी गईं, 15 से 20 अलमारियों को काटना पड़ा और 20 ताले लगाए गए थे इन अलमारियों पर, उनको तोड़ा गया। जीएसटी टीम एक बैग भरकर चाबियां भी यहां से बरामद की गई, एक बैग में इतनी चाबियां भरी हुई थी। 200 से ज्यादा फर्जी बिल भी इस घर से बरामद किए गए हैं। ये टोटल जो डेटा है इस पूरी खबर से जुड़ा वो हम आपको दे रहे हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर छापेमारी जारी है, कानपुर वाले जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी पूर्ण हो गई है, समाप्त हो गई है और 170 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की बात कही गई है। तो दूसरी तरफ जो कन्नौज वाला घर है वहां पर छापेमारी चल रही है। कल शाम 4 बजे से कन्नौज में ये कार्रवाई की जा रही है। कारोबारी पीयूष जैन के जो नजदीकी कारोबारी हैं उन पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है और उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। ये पूरी की पूरी खबर। पिछले 20 घंटों से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड चल रही है और अब तक 170 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। ये काले कुबेर पकड़े कैसे गए ये आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले अहमदाबाद जीएसटी टीम को इसका इनपुट मिला, अहमदाबाद गुजरात, वहां से जीएसटी टीम को इसका इनपुट मिला और उसके बाद अहमदाबाद से जो इनपुट मिला उसके आधार पर कहां कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश में इसकी कार्रवाई हुई। जीएसटी की टीम ने सबसे पहले कानपुर में सर्च ऑपरेशन जो है सर्च शुरू किया। पहली रेड से दूसरी रेड का जो है जगह पता चली, जो पहली रेड डालेगी उसके बाद जो दूसरी जगह है वो पता चली। जीएसटी की टीम का दूसरी जगह पर छापा, पीयूष जैन के घर से 170 करोड़ कैश मिला। 170 करोड़, जो भी आंकड़ा सुन रहा है वो हतप्रभ है। 170 करोड़ कैश मिला और बरामद की गई रकम 21 बक्सों में रखी गई है। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी, नोट गिनने की मशीनें, तकरीबन 8 मशीनों का इस्तेमाल हुआ और एक मशीन ऐसी भी मंगाई गई कि कहीं कोई नकली नोट तो नहीं है। छापेमारी में 20 ताले वहां लगे हुए थे, उनको तोड़ना पड़ा। छापेमारी के दौरान इन तालों को तोड़ना पड़ा और रेड के दौरान 15 से 20 अलमारियां काटनी पड़ी, तब जाकर ये रकम सामने आ पाई और पूरा का पूरा कमरा नोटों से भर गया था। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विशाल, कानपुर की रेड खत्म, 170 करोड़ कैश और कन्नौज में जो छापेमारी चल रही है उसका अपडेट आप दीजिए कि क्या वो समाप्त हुई है और वहां से क्या क्या मिला अब तक। राजीव, देखिए कन्नौज में पिछले 24 घंटे से लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है और पीयूष जैन का कन्नौज का यही घर है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहीं पर कल शाम 4 बजे से ये पूरी जांच चल रही है। पीयूष जैन के बेटे को यहां पर लेकर आया गया था, एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है, कागजात को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो शिकायत जीएसटी टीम को मिली थी वो इस बात को लेकर थी कि फर्जी इन्वॉइसेस तैयार किए जा रहे हैं जिससे काफी जीएसटी का नुकसान हो रहा है। और जब उस आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया गया तो सामने जो चौंकाने वाले खुलासे हुए वो सभी के सामने है। 170 करोड़ कैश छोटी मोटी रकम नहीं है। इसको पूरा अगर आप देखेंगे, जिस तरह के विजुअल्स सामने आए थे कानपुर से, जो भी इस विजुअल को देख रहा है वो देखता रह जा रहा है कि इतनी भारी तादाद में कैश आखिरकार पीयूष जैन के पास कहां से आया। क्या कुछ वैसा ही कैश इस घर में भी मौजूद है, इसीलिए 24 घंटे से तलाशी ली जा रही है। अब तक क्या कुछ मिला है ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, इसके लिए हमें जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम के आधिकारिक प्रेस रिलीज का इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ सवाल जो यहां पर खड़े हो रहे हैं, पहला, क्योंकि कन्नौज के जो इत्र व्यापारी होते हैं वो पान मसाला कंपनियों के साथ अपने कंपाउंड की साझेदारी को लेकर बहुत कोशिश करते हैं, उसके लिए सिफारिशें करते हैं, क्योंकि यहां पर जीएसटी का मामला तो बन ही रहा है, इसके साथ ही साथ कैश मिल रहा है, तो इसमें मल्टी एजेंसीज शामिल हो सकती हैं जांच में। आने वाले दिनों में इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले की जांच कर सकता है। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीयूष जैन के संबंध किसके किसके साथ थे, किसने सबसे पहले उस पान मसाला कंपनी के साथ इनका संबंध स्थापित कराया, उसके बाद जो कैश मिला
मिला है 170 करोड़ के आसपास, वो कैश किसका किसका है? क्या वो अकेले पीयूष जैन का है या कुछ और व्यापारियों का है या फिर कुछ नेताओं का है? क्योंकि कहा यह जाता है पीयूष जैन का कानपुर के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ संबंध थे, चुनाव में उनकी काफी मदद भी किया करते थे, इस तरह की सूचना स्थानीय लोग बताते हैं। लेकिन सच क्या है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन विशाल, आप ये जरूर बताएं कि 24 घंटे का वक्त हो गया है, छापेमारी कन्नौज में चल रही है, आखिर भीतर क्या चल रहा है? जो टीम भीतर गई थी क्या वो 24 घंटों से भीतर ही है, क्या बीच में बाहर आई, क्या भीतर कुछ जाते हुए नजर आया, क्या हो रहा है वहां पर एग्जैक्टली? देखिए राजीव, यहाँ पर लगभग 15 की संख्या में जांच में पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और पिछले 24 घंटे से जांच कर रही है। कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कभी ताला खोलने वाले को बुलाया जा रहा है, कभी कोई और लॉक खोलने वाले को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये घर काफी बड़ा है। यहाँ पर लगातार एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है, एक एक कोने की तलाशी ली जा रही है कि कहीं कैश यहाँ पर तो नहीं, और उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज से संबंधित कागजात या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो बिलिंग को लेकर सबसे बड़ी शिकायत थी जिसके आधार पर अहमदाबाद की यूनिट ने ये पूरी छापेमारी शुरू की थी, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस का सबसे मेन काम अपने जीएसटी के जो टैक्सेस होते हैं उसमें अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ना होता है, उसकी भी जानकारी यहां पर ली जा रही होगी। लेकिन जब 170 करोड़ कैश मिल चुका है तो कहीं कैश इस घर में भी तो नहीं है, इसी चीज को लेकर मैं आपको रोक रहा हूं विशाल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पीयूष जैन के बेटे की तस्वीरें, चूंकि कल ही हिरासत में ले लिया गया था पीयूष जैन के बेटे को, तो पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ करते हुए टीम को आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत की है। ये विजुअल्स आए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, ये बातचीत की गई है, हालांकि हिरासत में लिया गया है पीयूष जैन के बेटे को, और ये तस्वीरें हैं जब उनसे पुलिस की जो टीम है वो बातचीत कर रही है। ये तस्वीरें हैं आपके सामने पीयूष जैन के बेटे की, पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, कानपुर वाले ठिकाने पर छापेमारी खत्म हो गए, 170 करोड़ कैश मिला है। तो दूसरी तरफ कन्नौज के घर पर बीते 24 घंटों से छापेमारी चल रही है, वहां छापेमारी खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, टीम वहां पर मौजूद है, इस बीच में लॉक तोड़ने वालों को बाहर से बुलाया जा रहा है, भीतर ले जाया जा रहा है। तो ये जो इस वक्त विजुअल्स आप देख रहे हैं ये प्रत्यूष जैन से पूछताछ की तस्वीरें हैं। प्रत्यूष जैन को हिरासत में लिया था पुलिस ने पूछताछ के लिए, और ये तस्वीरें, ये विजुअल्स हैं यूपी के कन्नौज में छापेमारी को लेकर, ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के पास। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन से डीजीजीआई की दरअसल पूछताछ है, उस पूछताछ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये तस्वीरें घर के अंदर की ही हैं, घर के अंदर ही उनसे जो पूछताछ हुई है वो पूछताछ की तस्वीरें, और वीडियो में पीयूष जैन का जो बेटा है प्रत्यूष जैन डीजीजीआई की टीम के साथ ही वो खड़ा दिखाई दे रहा है। तो कन्नौज के ठिकाने पर पीयूष जैन के छापेमारी अभी चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे जुड़े थे। विशाल, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन छापेमारी चल रहे, छापेमारी कब खत्म हो गई और क्या क्या वहां से मिलता है, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।